नमस्कार। तो आज बनाते ब्लू ऑंच कोल्ड डेजर्ट। ओके, BLANCMANGE। ओके, तो बनाया जाए ब्लू ऑंच। उसका थिकनिंग एजेंट होता है कॉर्न स्टार्च। ओके, सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से बनेगा। तीन इंग्रेडिएंट तो सबके घर पे होता है। तो चलिए बनाया जाए ब्लू ऑंच। तो यहाँ पे ब्लू ऑंच बनाने के लिए मिल्क ले लिया है 100 ml, और यहाँ पे ले लिया है कॉर्न स्टार्च ले लिया है 13 ग्राम, और यहाँ पे 15 ग्राम ले लिया है शुगर। ओके, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्न स्टार्च डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें डाल देना है मिल्क। मिल्क ऐड कर दिया, और इसको मिक्स करने का, पूरा अच्छे से मिक्स करना है जब तक यहाँ पे लम्स ना हो। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ओके, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें हम लोग शुगर भी मिला देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, क्रीमी हो जाना चाहिए पूरा। फिर इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल हो रहा है, और यहाँ पे नीचे चिपक रहना चाहिए, इसके लिए इसको स्टर करते रहे अच्छे से। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे लम्स बिल्कुल भी नहीं है, और कंसिस्टेंसी देख लीजिए कैसा रहना चाहिए। बॉल में निकाल लेंगे और इसको फ्रीज कर देना है। तो अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। आधे 2 से 3 घंटे तक इसको रख देना है, सेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेट हो चुका है। चलो निकालते हैं इसको। देखिए सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। अभी इस पर थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं नारियल। इसे टेस्ट करते हैं। ओके, देख सकते हैं कितना ये हुआ है। प्लीज प्लीज ट्राई इसे जरूर करना। मैं बोल रहा हूँ अपने के तो बहुत पछताएंगे। अब देख सकते हैं क्या हुआ है एकदम। देखिए, ओके, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।